भू माफियाओं ने पुंसिया में मचाया आतंक, जमीनी विवाद में दी जान से मारने की धमकी। पीड़ित परिवार समाहरणालय में धरने पर बैठा। देवघर में भू माफियाओं का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। कानून के पहुंच से ऊपर ये भू माफिया अब सरेआम जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। मामला देवघर के रिखिया थाना क्षेत्र के वार्ड संख्या 26 स्थित पुंसिया गाँव का है, जहां बुधवार की रात भू माफियाओं ने जमीनी विवाद में पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी है। भू माफियाओं की इस धमकी के बाद पीड़ित परिवार ने गुरुवार को समाहरणालय में धरना देकर जान बचाने की गुहार लगाई। पीड़ित छेदू महतो का कहना है कि उसकी जमाबंदी जमीन पुंसिया में है। इस जमीन का जमाबंदी नंबर 104 है और पर्चाधारी हुरू महतो के नाम से खतियान में दर्ज है। इस जमीन को भू माफिया हड़पना चाहते हैं। इसके लिए बुधवार की देर रात महेश मणि द्वारी, चंदमणि द्वारी, गोपाल मणि द्वारी, दुर्वेश मणि द्वारी, अंकित द्वारी और अमित द्वारी द्वारा देर रात पीड़ित के घर पर हमला बोल दिया गया। इस दौरान हमलावर हथियारों से लैस थे, वहीं भू माफिया ने पीड़ित के ऊपर तलवार से हमला कर दिया। किसी तरह जान बचाकर पीड़ित अपने घर के अंदर घुसा, जिसके बाद माफियाओं ने पीड़ित का घर घेर लिया और जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित ने पूरे मामले का वीडियो रिकॉर्डिंग कर लिया है। बता दें, अब परिवार अपनी जान बचाने के लिए न्याय की गुहार लगा रहा है। पीड़ित ने शासन और प्रशासन से गुहार लगाई है, भू माफियाओं से परिवार की जान बचाने के लिए रक्षा की जाए। देवघर झारखंड से बैद्यनाथ प्रसाद यादव की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। माफिया की तरफ से मेरा भी जमीन हड़प लिया है सर। पहले हड़पा हुआ है ये है, उसके बाद फिर हड़पना चाह रहा है सर। घर में जहाँ भी रहते हैं वहाँ भी बोल रहा है कि खाली करा दो, नहीं खाली कराएंगे तो जान से मर जाएंगे। आदमी बुला लिया कल रात में, वीडियो भी है साथ में, और बड़ा वो भी रिक्शा थाना को फोन किए तो वो बोला कि ठीक है हम भेजते भेजते, लेकिन रात में नहीं भेजा। जब लड़ाई ख़त्म हो गया उसके बाद फिर 12 बजे रात में आया, शांत करा के हम ही लोग को अंदर कर दिया। उसके बाद फिर आदमी वो लोग फिर बुला लिया, गाली गलौज करने लगा बाद में। सब वीडियो है मेरे पास है, और जो क्या बोलते हैं भाभी है मेरी है, उसको भी मैंने आँख में मार दिया, पत्थर चलाने लगे। जब वीडियो करने लगे तो पत्थर चलाने लगे। कौन मार दिया? क्यों कर रहा है वो लोग, ऐसा क्यों कर रहा है? वही जमीन माफिया सर बोल रहा है कि जमीन दो, जमीन नहीं देंगे तो जान से मार देंगे। क्या पुलिस भी मिली भगत है? हाँ, रिखिया थाना जितना सब मिली भगत है, इसको जांच कोई एक्शन सर नहीं लेता। कोई एक्शन? आवेदन बहुत जगह दे चुके हैं सर, टोटल जगह दे चुके हैं, लेकिन कहीं से कहाँ कहाँ दिया? DC यहाँ दिया है सर, SP यहाँ दिया है सर, रिखिया थाना दिया है सर, उप महानिरीक्षक दिया दुमका में सर, सब जगह दिया। अभी क्या नाम हुआ? मेरा चंदन यादव हुआ सर। कि सब मेरे नाम कर दो, नहीं तो सबको मार देंगे, घर से भगा देंगे। सब जमीन हड़पने लगा है, हड़प नहीं रहा। कौन कौन हड़प रहा है? सौखी द्वारी और गोजे द्वारी। जमीन कहाँ पर है? उसका बेटा सब गाली गलौज कर रहा था। जमीन कहाँ पर है? जमीन पुंसिया में ही है, सामान लेके जब आया था हरवार से। हाँ, जब हम लोग घर में घुस गए, तो बाहर से ईटा पत्थर फेंकने लगा। इसका शिकायत कहाँ कहाँ की? रिखिया थाना में किया, 2-4 बार फोन भी किया, जिसका कॉल रिकॉर्ड अभी भी है। हाँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। SP रात में जब सब शांत हो गया तब 11 बजे रात में पुलिस आई, हम ही लोग को चुप करके चले गए। SP के पास भी दिए थे? SP के पास पहले दिए थे हम, कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुआ है। हम लोग का सुनवाई कब होगा? यहाँ DC के पास शिकायत बैठे हुए हैं आप लोग, क्या मांग रहे हैं? जैसे अपना अधिकार मांगने बैठे हैं कि हम लोग के साथ ऐसा जो घटना घटता है, ऐसा क्यों घट रहा है? क्या नाम हुआ आपका? बबीता कुमार।